नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि कैसे मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी तीन आदतें हैं। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये तीन अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानियों से बचा रहता है। दोस्तों, वहीं जो व्यक्ति इन तीन दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वह बर्बादी होने के कगार पर पहुंच जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तीन आदतें ही मनुष्य की बर्बादी का कारण बनती हैं। तो दोस्तों, कौन सी हैं वो तीन आदतें जो मनुष्य की बर्बादी, गरीबी और कंगाली का कारण बनती हैं, आइए जान लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, कृपया करके आप सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और रोजाना इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जरा विस्तार से उन तीन आदतों के बारे में। दोस्तों, नंबर एक, इच्छा। कहते हैं दुनिया के हर व्यक्ति के अंदर का सबसे पहला गुण होता है उसकी इच्छाएं। जी हाँ दोस्तों, कहा जाता है जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी क्षेत्र में सफल नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर आगे बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी होने के बाद तीसरी इच्छा मन में जागृत होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण ना होने के कारण व्यक्ति जीवन अपर्यंत इसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसलिए अपनी इच्छाओं पर काबू करना सीखिए। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, जो मनुष्य अपनी इच्छा पर नियंत्रण नहीं रख पाता है वह जीवन में कभी सफल नहीं होता है। दोस्तों, नंबर दो है क्रोध। जी हाँ दोस्तों, गीता में कहा गया है कि कई बार अत्यधिक क्रोध आने के कारण लोग गलत निर्णय ले लेते हैं जो उनकी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। इस तरह व्यक्ति के अंदर का दूसरा अवगुण होता है क्रोध। क्रोध आने पर व्यक्ति गलत फैसले ले लेता है जो उसे जिंदगी में कठिनाई का कारण बनते हैं। यहां तक कि क्रोध में आने के कारण व्यक्ति ऐसे गलत फैसले ले लेता है जो उसे बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। तो व्यक्ति के अंदर दूसरा सबसे बड़ा अवगुण होता है क्रोध। दोस्तों, तीसरा अवगुण है लालच। जी हाँ दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर लालच होता है, जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ता जाता है और उसके मन में और कई आकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं जो उसकी बर्बादी का कारण बन जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भी अंदर ये तीन अवगुण हैं तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इन्हें आप तुरंत त्याग दें, अन्यथा जीवन में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। आप हमेशा बर्बादी की राह पर ही जाएंगे और आपके घर में हमेशा गरीबी और कंगाली बनी रहेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद जरूर आई होगी। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।